प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज अपने गृहनगर यानी कि वडनगर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार वडनगर जा रहे हैं और पीएम के स्वागत के लिए वडनगर के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और यहां की तैयारियों का क्या जवाब, जोरदार तैयारियां की गई हैं, हर तरफ सजावट आपको दिखाई दे रही होगी और पीएम मोदी बड़े बड़े किस तरीके से बैनर के जरिए यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गांव के मुख्य दरवाजे को 3D मैपिंग से सजाया गया है और साथ ही वडनगर रेलवे स्टेशन के जिस टी स्टॉल पर पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे उसे भी सजाया गया है अनूठे तरीके से। मोदी के वडनगर से वाराणसी तक के सफर को दिखाने के लिए भी 1 किलोमीटर लंबी फोटो गैलरी लगाई गई है सड़क के दोनों किनारे। इस फोटो गैलरी में उनके बचपन से लेकर और अब तक के सफर को बखूबी दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी आज अपने गांव यानी वडनगर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, दिखाना चाहेंगे वडनगर में जिस जहां हेलीपैड बनाया गया है, जहां उनका चौपर उतरेगा और यहां से 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे ऐसा बताया जा रहा है और 9 बजे के बाद यहां से उनका काफिला निकलेगा वडनगर उनके गांव की तरफ। लगभग 5 किलोमीटर का सफर है, पूरे रास्ते में एक तरह से कहा जाए बैरिकेडिंग की गई है और झंडे लगाए गए हैं स्वागत के लिए, चारों तरफ लोग खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए, फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा। कैसा होगा उनका सफर ये 5 किलोमीटर का हम चलेंगे और रास्ते में दिखाएंगे कि ये रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने गांव जाएंगे। गांव में कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन जहां वो चाय बेचते थे उसे उधर से होते हुए जाएंगे और साथ साथ स्कूल जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो होते हुए हाटकेश्वर मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर लगभग 9:30 बजे मतलब आधे घंटे का ये सफर होगा और वहां जाकर 9:35-40 के आसपास जहां हाटकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे जहां बचपन में जाकर वो पूजा करते थे आज भी जाकर वहां पूजा अर्चना करेंगे। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी अपने गाँव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी वडनगर पहुंचेंगे। पीएम का गांव अपने प्रधानमंत्री बेटे का इंतजार कर रहा है। जो खुशी का माहौल है ना, हम बता नहीं सकते किसी को। पीएम बनकर पहली बार लौट रहा है वडनगर का लाल। प्रधानमंत्री जो आ रहे इतनी खुशियां मना रहे हैं। अपने नरेंद्र के इंतजार में वडनगर पूरी तरह से सच कर तैयार है, तो पीएम मोदी भी वडनगर में बिताए अपने बचपन की यादों को रोक नहीं पा रहे हैं। 7 साल बाद वडनगर जा रहे पीएम के मन में वडनगर के लिए क्या चल रहा है इसकी एक झलक कल उनकी ट्वीट पे देखने को मिली। पीएम मोदी ने लिखा, मैं सुबह अपने गृह नगर वडनगर का दौरा करने की आशा करता हूँ, ये यात्रा मेरे बचपन से कई यादें वापस लाएगी। इन्हीं यादों के साथ पीएम मोदी सुबह 9 बजे वडनगर पहुंच जाएंगे। वहां से पीएम मोदी सीधे हाटकेश्वर मंदिर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:25 पर पीएम मोदी भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी का औपचारिक वडनगर दौरा शुरू हो जाएगा, जहां से सबसे पहले पीएम मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो करते हुए पीएम मोदी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। 9:45 पर पीएम मोदी इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी रेलवे के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ उन जगहों की तस्वीरों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी जहाँ पीएम मोदी के पिता चाय बनाया करते थे। इसके अलावा पीएम विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, साथ ही कई सरकारी योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गांव वडनगर आ रहे हैं, मौका है वडनगर के जनरल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का और साथ ही साथ यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले वडनगर तैयार हो रहा है। उनके आने से पहले वडनगर में एक जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों पर हैं। इस समय हम वडनगर रेलवे स्टेशन पर हैं, वही वडनगर रेलवे स्टेशन जहाँ पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे और ये वो चाय का स्टॉल है जहाँ पर वो चाय बेचने आया करते थे। इसको वैसे ही रखा गया है जैसे 60 साल पहले हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी यहाँ चाय बेचने आया करते थे। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, अंदर जो फर्नीचर मौजूद है वो भी वैसा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं। 11:45 पर पीएम मोदी वडनगर से भरूच के लिए रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 1:15 पर प्रधानमंत्री मोदी भरूच पहुंचेंगे। भरूच में पीएम नर्मदा नदी पर बने नए बैराज के निर्माण की आधारशिला रखेंगे।
इसके साथ ही वो उधाना और जयनगर के बीच चलने वाले अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली वापस आने से पहले एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, वडनगर। और वडनगर में मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। रवि, बेसब्री से इंतजार और गांव के हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को आज प्रधानमंत्री का इंतजार है। जितना इंतजार प्रधानमंत्री गांव जाने का, अपने घर जाने का कर रहे हैं, उतना ही इंतजार वहां के लोगों को भी है। जी बिल्कुल, जितने लोगों से बात हो रही है सब में काफी उत्सुकता है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए तमाम, चूंकि हमारे मीडिया के साथी भी है लोग जो कवर करने के लिए आए हुए हैं। ये रास्ता, ये रूट है, देखिए छतरी से, जो कलरफुल छतरी है उससे सजाया गया पूरे रास्ते को। हम जहां खड़े हैं इसके ठीक पीछे आपको स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहां प्रधानमंत्री माना जा रहा है कि वहां आएंगे तो शायद अपने चाय की दुकान पर जाएंगे, उसको देखेंगे। और ये दाहिने साइड में स्कूल है, जो आपको दाहिने साइड में पानी की टंकी दिख रही है, जो इसके पोस्टर के पीछे ये उनका स्कूल है। इस तरह से पूरे इलाके को 5 किलोमीटर का सफर होगा, जो बडनगर जहां हेलीपैड उनका बना है वहां से लेकर यहां तक उनके जीवनी के बारे में जो पोस्टर्स हैं, उनके बचपन से लेकर अब तक की जितनी तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं, जिसमें उनका विदेश जाना, लोगों से मिलना, बुलेट ट्रेन की बात, तमाम वो चीजें जो उन्होंने किया है काम उसका भी, और बचपन में जिस तरह से उन्होंने जिया है उस बचपन की भी तमाम तस्वीरें यहां लगाई गई हर सड़कों पर। और सब लोग, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं इसके पीछे तमाम लोग आपको दिखेंगे थोड़ी देर बाद, और सब लोग फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। गांव में 3 दिन से एक तरह से कहा जाए दिवाली मन रही है, लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है। जिस तालाब में वो जाकर तैरते थे उस तालाब में सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके किनारे चल रहा है, उसमें कल दिया जलाया गया, एकदम आरती हुई, जहां बनारस की तरह आरती और हरिद्वार की तरह आरती की गई। तो कुल मिलाजुला के 3 दिन से यहां लोग मेले के माहौल में है और प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारी में लोग हैं। अभी चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से सारे इलाके को खाली कराया गया तो कम लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं। यहां से आगे जाकर तो आगे दाहिने मुड़ेंगे तो हाटकेश्वर मंदिर है, जहां उनका पड़ाव खत्म होगा और वहीं पे पूजा पाठ करेंगे। जो उनका रोड शो है वहां खत्म होगा, और उसके जस्ट बगल में मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन वो करेंगे आज। तो कुल कई सारी सौगात भी देंगे, कई सारी चीजें उनको लोग भी यहां आज गिफ्ट देने वाले हैं। यहां के लोग रवि और आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि सौगात को भी देने वाले आज दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि बचपन की यादें उनकी ताजा हो जाएंगी जब वो इस सफर पर जाएंगे, यानी कि अपने घर के सफर पर, वडनगर के सफर पर निकलेंगे तो बचपन की जो यादें हैं वो जरूर उनकी ताजा होंगी। इसके अलावा वहां जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास है, वो भी बेसब्री से इस सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और अब देखिए कुछ ही वक्त रह गया है, कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है, 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर पहुंच जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का।